हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे सैमसंग का M01 कोर का FRP बाईपास बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इसका ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए, इसका ब्राउज़र को ओपन करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। ये रहा हमारा टूल, टूल को हम ओपन कर लेते हैं। इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोन का ब्राउज़र इस टूल से आप खोल सकते हैं ब्राउज़र। तो फ़ोन को पहले वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीसी से कनेक्ट कर लीजिए। जैसा कि हमारा फ़ोन वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड है और हमने USB को प्लग इन कर दिया है, तो इसका जो ड्राइवर होगा वो लोड होगा, उसके बाद ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, पहले तो हम ड्राइवर को इंस्टॉल होने देते हैं। तो ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए अब हम टूल में चलते हैं। और यहाँ पे हमें बाईपास FRP में क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइवर इंटरनल ड्राइवर इंस्टॉल होके ब्राउज़र को लॉन्च कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़ोन स्क्रीन में व्यू का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए यहाँ पे व्यू कर लेते हैं। तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम गूगल पे टच कर लेते हैं और अब हमें क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए क्विक शॉर्टकट मेकर को हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो क्विक शॉर्टकट मेकर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं फाइल मैनेजर को ओपन करके। तो क्विक शॉर्टकट मेकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओके कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेटिंग्स, ताकि हमारे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो आ जाए और उसे हम ओपन कर ले। तो सेटिंग्स को ओपन तो हमने कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे अगर आप पिन विंडो में जाते हैं तो इसका जो पिन विंडो है वो नहीं हो पाएगा, और इसमें आपको सिक्योर फाइल का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऐप पे जाना है और फाइंड माय डिवाइस अगर एक्टिवेट होगा तो उसे डीएक्टिवेट कर देना है। और ऐप्स पे जाके हमें यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को भी डिजेबल कर लेना है। तो चलिए गूगल प्ले सर्विस को हम डिजेबल कर लेते हैं। तो अब हम बैक कर लेंगे। क्योंकि ये न्यू सिक्योरिटी पैच है दोस्तों, इसमें आपका वो पिन विंडो काम नहीं करेगा। तो अब हम एक चिप में एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं, उस चिप को हम इंसर्ट करेंगे फ़ोन में। तो चिप हमारा इंसर्ट हो चुका है, तो अब हमें फिर से क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है।
तो क्विक सॉर्ट मेकर हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हमें फाइल मैनेजर टाइप कर लेना है, फाइल टाइप कर लेना है, तो फाइल मैनेजर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमें फाइल बाय जो गूगल है उसको ट्राई कर लेना है। यहाँ पे तो ओपन हो चुका है हमारा फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे हमने जो चिप डाले हैं उसमें एप्लीकेशन है, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेक्नो केयर। आप चाहे तो ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हमें बैक करके सेटिंग्स को फिर से ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम सेटिंग्स टाइप कर लेंगे, या तो सेटिंग्स को आप ऐसे ही फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये रहा सेटिंग्स, सेटिंग्स को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें अकाउंट्स पे चलना है, ऐड अकाउंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल है, इसमें हम टच करेंगे। और अब हम यहाँ पे कोई भी जीमेल अकाउंट डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए लॉग इन कर लेते हैं। देख सकते हैं अकाउंट हमारा सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। तो अब हमें एप्लीकेशंस में चलना है, ऐप पे चलना है। यहाँ पे हमें गूगल प्ले सर्विस को इनेबल कर देना है। गूगल प्ले सर्विस को हम इनेबल कर देते हैं, और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है हमें। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर और फाइंड माई डिवाइस को एक्टिवेट कर लेना है, और अब हमें फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। तो फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, तो चलिए सेटअप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फोन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सिस्टम में चलते हैं और अबाउट फोन में जाके हम डेवलपर ऑप्शन को चालू कर लेते हैं। देखते हैं OEM का ऑप्शन आता है कि नहीं। तो डेवलपर हमारा चालू हो चुका है, तो चलिए डेवलपर को हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OEM का कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो हमें क्या करना है, जो टेक्नो केयर को हमने इंस्टॉल की थी उसे हमें रिमूव कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, और अकाउंट में जाके हमें अकाउंट को भी रिमूव कर देना है। तो OEM का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, या तो आप फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए। तो फोन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।